हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। हमारे सामने खड़ी है आइकॉनिक ग्लैमर। ग्लैमर जो है वो बहुत सालों से लोगों की फेवरेट रही है, उसी डिज़ाइन में फिर से हमारे सामने ग्लैमर आई है। और ये ग्लैमर जो है आज जब आई है तो बहुत सारे फीचर्स के साथ आई है, जैसे कंप्लीट फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आज के डिमांड और 2023 के लिए परफेक्ट बैठते हैं। तो आइए इस ग्लैमर को हम डिटेल में जानते हैं कि अगर आप 125 सीसी की बाइक कोई भी लेना चाह रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताऊंगा, प्लस इसके बारे में वो बातें बताऊंगा क्यों 125 सीसी में आपको ग्लैमर भी देखना चाहिए। तो आइए इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। तो डिज़ाइन में क्लासिकल डिज़ाइन के साथ अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर दी गई हैं, जैसे ये यहाँ पे जो क्रोम फिनिशिंग दी गई है स्ट्रिप्स के साथ, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। स्टिकर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा यहाँ दिखाई देता है। बाकी जो हम हेडलैम्प देख रहे हैं, यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलता है और ये स्टिकर यहाँ पर आपको हेडलैम्प यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि ये क्लासिक बाइक है तो यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे जो है डिस्क और ड्रम दोनों में अवेलेबल। जो ड्रम वेरिएंट है उसका प्राइस 82,800 रुपीस के आसपास आता है, डिस्क वेरिएंट का प्राइस आता है 86,800 एक्सोरूम, तो ये प्राइसिंग मिल जाती है। बाकी जिसका पावर फिगर्स है ग्लैमर का, जो क्लासिक ग्लैमर है, इसमें आपको 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क, आपको 7.75 किलोवाट का पावर आपको देखने को मिल जाता है। 5 गियर के साथ ही आती है, तो हमारी जो बहुत पुरानी ग्लैमर्स आती थी उसमें 4 गियर होते थे, इसमें 5 गियर होते थे। प्लस इसका डिज़ाइन जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है, क्योंकि इसका पीछे जो टेल लैंप है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे जब आप साइलेंसर देखेंगे तो इस डिज़ाइन का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि BS6 स्टेज 2 बाइक है ये। ये पहले से बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा माइलेज भी देती है और परफॉर्मेंस जो इसका ड्राइविंग परफॉर्मेंस है, राइडिंग परफॉर्मेंस है, वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। अब जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसको यहाँ पर फुल्ली डिजिटल कर दिया गया है, तो एनालॉग का कोई भी यहाँ पर कोई भी मतलब चीज़ दिखाई नहीं देता है आज की डेट में। अब हम यहाँ पे स्पीडोमीटर देख सकते हैं, यहाँ पे जो है किलोमीटर पर लीटर जो है एवरेज आपका दिखाएगा, बाकी ट्रिप ए ट्रिप बी ऑडोमीटर ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, बाकी साइड स्टैंड जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो साइड स्टैंड का लाइट यहाँ ऑन हो जाता है। बाकी सारे इंजन चेक लाइट, I3S का लाइट ऑन होता है और लो फ्यूल वार्निंग न्यूट्रल यहाँ दिखाई देगा। जो चैन कवर है ये यहाँ पर आपको मिल जाता है देखने को। इस डिज़ाइन में लेडीज़ फुटरेस्ट, 5 स्टेप एडजस्टेबल आपका पीछे का सॉकर है यहाँ पे, और डिज़ाइन पीछे का भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये आगे और पीछे दोनों ही ट्यूबलेस टायर के साथ आती है, और पीछे का जो टायर का साइज़ है वो आपको यहाँ पे एक तो MRF के नैलो ग्रिप जैपर टायर्स मिल रहे हैं और वो भी 100 सेक्शंस के मिल रहे हैं, तो टायर की जो चौड़ाई है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो रोड ग्रिप भी आपका बेहतर बन पाएगा। बाकी एक लॉन्ग सीट के साथ आती है, तो दो लोग तो बहुत ही कम्फर्टेबली जो है ग्लैमर पे बैठ सकते थे, ये चीज़ हमने बहुत समय से देखा है ग्लैमर में। और इसमें फ्यूल टैंक भी काफ़ी बड़ा आता है आपका, और ये डिज़ाइन जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये अचानक से उठती नहीं है, तो बहुत लोगों को बहुत ही पसंद आती है ये वाली डिज़ाइन। बाकी जो साइड मिरर्स, जो यहाँ पे पास स्विच मिलेगा, हाई बीम लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर्स, हॉर्न का साउंड एक और फिर से सुनाता हूँ मैं। बाकी यहाँ पे आपको I3S ऑन ऑफ करने का भी फीचर मिलता है और स्टार्टर बटन यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए ग्लैमर को राइड करके देखते हैं कि ये चलाने में कैसी है, कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। वैसे आप पहले देखिए कि यहाँ पे मैंने 32 किलोमीटर लगभग चला लिया है इस बाइक को, और आप जो साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच होता है उसको गिराते ही हमारी बाइक जो है वो बंद हो जाती है, अगर हम क्लच लेते हैं तो स्टार्ट हो जाती है I3S के कारण। तो चलिए इसको मैं और भी अच्छे से डेमो करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि इस बाइक की पिकअप कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये बाइक अगर आप लेते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो बहुत काम के मिल पाएंगे आपको इस बाइक में। बाकी इस बाइक का लीन एंगल भी काफ़ी अच्छा है, मतलब जो कंफर्ट होता है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस मोटरसाइकिल का। जो पुरानी हमारी ग्लैमर थी वो ऐसे ही नहीं फेमस थी, ये भी उसी के बेस पर बनाई गई है बहुत सारे अपडेट्स के साथ, तो इसमें भी वही जो जान है, एक आनंद होता है एक चलाने का, एक कंफर्ट होता है चलाने का, वो ज़रूर यहाँ पे हमें मिलता है जब हम इस बाइक को चलाते हैं। तब बाइक बहुत ही कंफर्टेबल मुझे हाथों में महसूस हो रही है, सिंगल राइड मतलब सिंगल लोड पे जो है लगभग इसका वज़न जो है वो 122-123 केजी के आसपास आता है डिस्क वेरियंट में, तो इसका जो ओवरऑल वेट है वो भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल वेट इसका जो है रखा गया है। तो मेरे ऐसा व्यक्ति जो कि 60-65 केजी का है उसको तो बहुत अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब जो इसका ओवरऑल डिज़ाइन बनाया गया है वो बहुत
कम वेट वाले लोगों के लिए, यानी कि हाइट जो है जिनका कम है वो भी बहुत आराम से चला सकते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा है जिनका वेट ज़्यादा है वो भी काफ़ी आसानी से चला सकते हैं, ये चीज़ इसमें दिखाई देती है। जो सीट हाइट है वो मुझे काफ़ी कम्फर्टेबल लगती है। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो मेरी हाइट 5.6 है और उसके अनुसार मेरा दोनों पैर जो है वो मतलब इधर अगर फ्लैट करता हूँ तो फ्लैट आ जाती है, इधर भी फ्लैट करता हूँ तो फ्लैट आ जाती है। जब हम बाइक को न्यूट्रल कर देते हैं और जब हम अगर ट्रैफिक में कहीं फंसते हैं तो आप देखिए हमारी बाइक जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, जिससे हमारा काफ़ी फ्यूल बचता है और उसके बाद जब हम क्लच प्रेस करेंगे तो हमारा बाइक जो है अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच है इसको अगर हम लगाते हैं तो आप देखिए बाइक जो है हम उसको चला नहीं सकते हैं, जबकि इस तरह बाइक मैंने स्टार्ट तो कर लिया लेकिन जैसे ही फर्स्ट गियर पे मैं बाइक को डालूंगा बाइक बंद हो जाएगी। तो ये सारे जो टेक फीचर्स हैं आज के रेट में वो बहुत ही काम के हैं। और जो डिस्प्ले है ये इतनी कड़ी धूप है, मेरा कैमरा 2-3 बार बंद हो गया है फिर भी इस डिस्प्ले को देखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत ही आसानी से। इवन जो इसका रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है ये भी इतने छोटे अक्षरों में फिर भी साफ दिख रहा है। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा अपग्रेड किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। और यहाँ पे आपको एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है तो आप ऑन द गो अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए इस रोड में चेक करते हैं कि ओवरऑल ये बाइक कैसी परफॉर्मेंस दे पाती है। तो मैं एक नॉर्मल मतलब जो जैसे लोग जनरली उठाते हैं बाइक को, यानी कि बाइक को जो है पिकअप देते हैं, उसी अनुसार मैं चेक कर रहा हूँ बाइक को। तो लगभग चौथे गियर पे मैंने वैसे 60 के आसपास का क्लॉक किया है, लेकिन क्योंकि बाइक का इंजन काफ़ी पंची है, जो पावर इसमें और टॉर्क मिल रहा है वो काफ़ी पंच मतलब काफ़ी अच्छा पावर फील होता है। आप अगर चलाते हैं बाइक को तो आपको लगेगा कि एक पावरफुल मतलब 125 सीसी में एक अच्छी पावरफुल बाइक आप चला रहे हैं, ऐसा महसूस होता है बिल्कुल। तो ये जो इसका कम्फर्ट है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अभी देखिए पुरानी मॉडल हमारे सामने पैशन प्लस जा रही है, वो भी काफ़ी अच्छी चलती है। तो जो हमारी बाइक्स होती हैं हीरो मोटोकॉर्प की, इसकी ये चीज़ हो जाती है कि ये लंबे समय तक भी चलती है और बहुत दिनों तक इसका इंजन जो है वही पंच वही पावर डिलीवरी करते रहता है, उससे आपको इस बाइक को चलाने में काफ़ी अच्छा लगता है। मैं एक बार अब जो है कि स्मूथ पिकअप के साथ मैंने आपको दिखाया लगभग एक स्मूथ जनरल पिकअप जो होता है एक व्यक्ति का, एक मैं अच्छा पिकअप के साथ चेक करके आपको बताता हूँ कि बाइक में अगर आप इन केस बहुत आपको जल्दी है कहीं जाने की कहीं पहुँचने की तो उस केस में ये बाइक कितना पिकअप जो है वो बनाती है, कैसा परफॉर्मेंस है, तो वो हम चेक करेंगे। तो मैंने फर्स्ट गियर पर कर दिया है तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा इसको रेव आउट नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा आरपीएम में मैं इसको खींच रहा हूँ, फिर भी मैंने चौथे गियर पे ही 60 को क्लॉक किया है। लेकिन 70 के बाद 90 तक जो है वो कितने देर में जाती है वो हम यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे कि 90 की स्पीड मैंने स्मूथली ही 90 तक मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो लगभग 85-89 और थोड़ा सा एक्सीलेटर ऐसे मैंने दे दिया तो ये 90 क्रॉस कर जा रही है, थोड़ा सा ऐसे छोड़ दिया मतलब थोड़ा सा एक्सीलेटर ऐसे दे दिया तो ये 90 जो है वो तुरंत क्रॉस कर जा रही है। तो ये मतलब ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसका जो ओवरऑल कम्फर्ट है, जो पिकअप है, जो 125 सीसी सेगमेंट में क्योंकि पहले के मुकाबले सारी मोटरसाइकिल्स का जो पिकअप जो है बढ़ा है, इस मोटरसाइकिल का पिकअप भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोकल रोड्स पे ओवरटेक करने में आपको कभी भी हेजिटेशन नहीं होगी क्योंकि बाइक किसी भी स्पीड में हो, मतलब अगर मैं इसके एक थोड़ा सा स्लो भी कर दूँ और स्लो करने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि गियर डाउन करना पड़ेगा तो नहीं, गाड़ी 30 के स्पीड में भी है, मैं हल्का सा अगर यहाँ पे एक्सीलेटर देता हूँ बाइक वहीं से पिकअप जो है बनाना शुरू कर लेती है। तो बहुत जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा था कि बाइक का जो फ्यूल इंजेक्शन है वो इतना सटीक इतना अच्छा अभी डिज़ाइन किया गया है कि आप देखिए बाइक जो है वो 5th गियर पर है, न्यूट्रल रोड है, शांत रोड है मतलब, और बाइक जो है वो मतलब मैंने 5th गियर पे यहाँ पे कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ऐसे देखिए यहाँ पे मैं क्लच दबाया है, मैं घुटने एरी जो है दबा रहा हूँ, देखिए 5th गियर पे बाइक है, बाइक बंद नहीं होगी, बाइक शांति से चलते रहती है। ये रेयरली मैंने किसी बाइक में देखा है, इसका फ्यूल इंजेक्शन इसको 20 के स्पीड में चलने के लिए मतलब इस तरह से डिज़ाइन कर दिया गया कि बाइक बंद नहीं होगी, इनकेस आपने 5th गियर में भी बाइक को एक स्लो स्पीड पे छोड़ दिया है तो बाइक बंद नहीं होगी। इवन मैं इसका अगर गियर डाउन भी करता हूँ, मान लीजिए 4th गियर पे भी करता हूँ तो भी हल्का सा जो है आवाज़ करते हुए प्ले करते हुए बाइक फिर से जो है 18-20 की स्पीड को पकड़ लेती है। अगर मैं 3rd गियर पे भी करता हूँ तो इंजन बहुत अच्छा हो गया, मतलब इसका 20 का स्पीड 3rd गियर पे बहुत अच्छा है, अगर मैं स्पीड देता हूँ तो तुरंत जो है पिकअप पकड़ लेती है और 2nd गियर के लिए तो 10-15 स्पीड बनी ही होती है।
तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छा है। इसका फ्यूल इंजेक्शन आज के टाइम में जिस तरह से जो है डिज़ाइन करना चाहिए वो डिज़ाइन किया हुआ दिखाई देता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ख़राब रास्ते हैं क्योंकि काम हो रहा है तो मिट्टी जम गई है, तो उस पर अगर मैं थर्ड गियर पे इसको बाइक को चलाऊँ तो सॉकर जो है वो आगे का तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप बहुत ही ख़राब रास्तों पर भी हल्के हाथों से बाइक को चला सकते हैं। बहुत ज़ोर से ऐसे हैंडल नहीं पकड़ना है आपको। दो तरह की बाइक्स होती हैं, एक में जब हम ज़्यादा ज़ोर से हैंडल पकड़ते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा समय तक उस बाइक को नहीं चला सकते हैं, मान लीजिए 1 घंटे 2 घंटे तक नहीं चला सकते हैं। अगर हम हैंडल को हल्के हाथों से पकड़ते हैं तो हम बाइक को लंबे समय तक चला सकते हैं, पूरे दिन चला सकते हैं। तो इस बाइक का हैंडलिंग जो है वो काफ़ी हल्का बनाया गया है, तो आपको लगातार ज़ोर से हैंडल को नहीं पकड़ना है। अगर आपने एक स्पीड कैच कर लिया, लाइक अगर आपको 5th गियर पे 50 की स्पीड में कहीं भी लगातार जाना है तो अगर आप 50 की स्पीड में जा रहे हैं तो आप बहुत ही शांति से जा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अभी यहाँ पे जो रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है, जो इसका एवरेज माइलेज शो करता है, वो लगातार मुझे जब मैं इसको 50 की स्पीड में चला रहा हूँ, हल्का सा इंक्लाइन है, बहुत हल्का सा लेकिन ठीक है, वो लगातार 50 की स्पीड में कर देता हूँ दोबारा, तो यहाँ पर ये लगभग 70-80 के बीच का जो है माइलेज शो कर रहा है मुझे रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर में। मतलब मैं एक इकोनॉमी के अनुसार एक बहुत अच्छा राइडिंग स्टाइल में जो है इस बाइक को चला रहा हूँ। और इस बाइक से अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो हाईवे लोकल सब मिलाकर, तो अगर आप अच्छे से बाइक को चलाते हैं आपके राइडिंग कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन 60-65 के बीच का माइलेज आपको इस मोटरसाइकिल से मिल सकता है। बाकी आपके राइडिंग स्टाइल और आपके सड़कों पे, आपके जो है जगह पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह का जो है एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है, तो हम चलाते हुए भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए इस बाइक में आपको 97 के आसपास का यहाँ शो कर रहा है, तो ये बाइक जो है आपको एक रियल टाइम बताते भी रहती है कि आप कैसे किस तरह से आप बाइक को चला रहे हैं, तो आपकी बाइक जो है वो कम से कम फ्यूल जो है वो खर्च कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे रही है। अगर कुछ दिक्कत भी होता है तो यहाँ पे इंजन चेक लाइट ETC आपको मिल जाता है, जो आपको इंडिकेट कर देगा कि आपकी बाइक में प्रॉब्लम है, तो आप सर्विस करा के फिर से एक बेहतर माइलेज जो है वो ले सकते हैं। मैं आपको जो दिखा रहा था कि 20 के स्पीड में आप इसको 5th गियर पे चला सकते हैं, तो मैं फिर से वो चीज़ करके एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको लगभग छोड़ दिया, ये अपने आप देखिए 16-17-19 करके ये 20 का स्पीड मेंटेन कर लेगा 5th गियर पे, जो कि चलाना वैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि इसका फ्यूल इंजेक्शन बाइक को बंद ना हो जाए, बाइक बंद ना हो जाए उस अनुसार बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। अगर हम यहाँ से अगर एक्सीलेटर दें तो क्या बाइक आगे बढ़ेगी, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हल्का एक्सीलेटर देने के बाद जब ये 25 आ जाती है तो आप फुल थ्रॉटल दे के आप बाइक को कंप्लीट पिकअप जो है वो दे सकते हैं। तो बाइक का फ्यूल इंजेक्शन आपको अलग अलग गियर में, अलग अलग कंडीशंस में आपको स्मूथली बाइक चलाने का जो है एक इन्जॉयमेंट देता है। बाकी जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे और गियर जल्दी जल्दी अगर चेंज करते हैं इनकेस, तो हम अगर गियर डाउन भी करते हैं तो गियर जो है तुरंत यहाँ पर डाउन हो जाती है, जो कि मेरा 1 नंबर गियर हो गया यहाँ 5 नंबर से। और अगर हम गियर जो है अफ करते हैं तो भी तुरंत 1, 2, 3, 4, 5, मतलब बहुत ही स्मूथ गियर शिफ्टिंग यहाँ पे मुझे देखने को मिलती है। अब एक और ब्रेक की बात करें, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अगर जा रहे हैं शोरूम में तो आप जो है वो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट ही ले, ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट जो है उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डिस्क ब्रेक में आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। हम पहले पीछे का ब्रेक देखते हैं, तो पीछे का ब्रेक भी काफ़ी जल्दी बाइक को रोक दिया। यहाँ पर जब मैं दोनों ब्रेक यहाँ अप्लाई करने का एक बार कोशिश करता हूँ तो 60 के स्पीड से लगभग, तो बहुत ही जल्दी बाइक को जो है 10 की स्पीड तक मैंने पहुंचा दिया, उसके बाद छोड़ दिया, उतना ज़रूरत नहीं थी। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अभी के रेट में ग्लैमर जो हमें पहले जो हमें मिला करती थी, जैसे कि ये देखिए CR नंबर यानी 2014 मॉडल ग्लैमर हमारे सामने जा रही है, जिस शान से हमारी ग्लैमर पुरानी वाली चलती थी उसी शान से हमारी ये ग्लैमर भी आज के रेट में फिर से जो है हीरो मोटोकॉर्प ने हमें मौका दिया है ख़रीदने को, तो लगभग 1 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस से ये शुरू हो जाती है। ये ग्लैमर 3 कलर ऑप्शंस में आता है, जिसमें कैंडी ब्लेजिंग रेड जो है वो मेरी फेवरेट है, टेक्नो ब्लू ब्लैक एंड स्पोर्ट्स रेड ब्लैक भी आता है। वो कौन से तीनों में से कलर पसंद है आप सामने स्क्रीन पर देखिए और मुझे भी कमेंट में बताइए। तो आप अगर खुद से इस बाइक को अब देखना चाहते हैं चलाकर, तो अपने नियरेस्ट शोरूम में जाइए, वहाँ टेस्ट राइड लेके देखिए, मुझे ही बताइए कि आपको ये बाइक जो है वो कैसी लगी, कैसी लग रही है अब चलाने में, और आपका क्या ओपिनियन है इस मोटरसाइकिल के बारे में, मैं जानने को बहुत ही इच्छुक हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी कंप्लीट रिव्यू की। बाय बाय।